हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के वादे पर अमल न करने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना यूनिट की जानिब से नामपली बीजेपी दफ्तर के अहाते में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय की जानिब से भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया, जिसमें कई बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर सिटी पुलिस की जानिब से बीजेपी दफ्तर के पास भारी पुलिस फोर्स को मुतयन किया गया था। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय बेरोजगार नौजवानों के लिए अपनी एक रोजा भूख हड़ताल का एहतमाम किए हैं। पहले भूख हड़ताल का मुकाम इंदिरा पार्क पर मुनक्किद किया गया था। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर हुकूमत ने जुलूस और जलसों के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके नतीजे में बीजेपी ने एहतजाज के मुकाम को तब्दील कर दिया। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ, ब्यूरो रिपोर्ट siyasa.com। को राज्य में मदद कर, लेकिन तुम हमारे ऊपर, हमारे को विद्यार्थी कोई भी जवाब नहीं देना। विद्यार्थी को हटा सकता है सत्ता से बोल के, आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। नोटिफिकेशन दिए तो हमारी समाज पूरे उद्योग समाज बनाती, उद्योग समाज में वितरकत आती, इसलिए नहीं दे रहे। अब देने की मकसद है तो अब पहले को हटाओ। क्या तेलंगाना में कहा यादगिरी विद्यार्थी समाज और केसीआर का और एक मुद्दा था, सत्ता में आने के बाद जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फील्ड असिस्टेंट है, उन लोग को परमानेंट करता बोले। लेकिन आज यही मुख्यमंत्री जो गवर्नमेंट नौकरी हो गया और 3 साल आगे बढ़ाए, 3 सालों का उद्योग का आगे बढ़ा के सबके मुंह में मट्टी डाल दिए, जिस जैसे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय देख रहे कि हमारे को परमानेंट करते नौकरी देने के लिए हाफ रेडी नहीं है। पहले आप एक मकसद पर रह के हमारे को नोटिफिकेशन दे।